मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण 10 जनवरी से धार के मोहन खेड़ा में दिया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को संगठन एवं कर्तव्यों का पाठ सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर विभाग के प्रमुख सचिन राव के निर्देशन में होगा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलग अलग तिथियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में पधारकर युवा कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने उद्बोधन से उन्हें भविष्य की राजनीति का बोध कराएंगे। भूरिया ने कहा कि शिविर का मूल संगठन के पदाधिकारियों में राजनीति के माध्यम से देश के नव निर्माण और शुचिता की राजनीति एवं स्वयं में समावेश करना है। प्रशिक्षण शिविर है मोहन खेड़ा में आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के सारे युवा कांग्रेस के जो नव निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, जो प्रथम निर्वाचित हैं, और साथ में प्रदेश कार्यकारिणी भी रहेगी। ये अपने तरह का पहला प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी है क्योंकि इसमें बौद्धिक स्तर पर बहुत बड़े बड़े नाम जैसे राम पुनियानी जी हैं, आरडी मौर्या जी हैं, विचारक लोग भी इसमें शिरकत करने वाले हैं, और जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, जयवर्धन जी, सज्जन वर्मा जी हैं, नकुलनाथ जी हैं, अरुण यादव जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, और समस्त हमारे जो नेतृत्व हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जो कांग्रेस का संघर्ष है वो पूरा बताएंगे, और एक तरह की मानसिकता जो संगठन में होना चाहिए कि आपको किसी भी तरह से जो डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, अनुशासन होना चाहिए, सेवा होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए, उन सब पर चर्चा होगी। और ये प्रवास प्रारूप रहेगा इसका कि वहीं 3 दिन तक रुकेंगे, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, और एक आम जो जीवन एक कार्यकर्ता जीता है उसी तरह से उनको भी उस चीज़ से रूबरू होने का मौका मिलेगा।